वर्ब कॉन्जुगेशन का मतलब है कि वर्ब मीन सेम, वही वर्ब है, इंग्लिश में भी होता है, और कॉन्जुगेशन वहाँ पर इंग्लिश में हम सी के साथ लिखते हैं, इंग्लिश जर्मन के अंदर के होता है यहाँ पर, ठीक है, कॉन्जुगेशन, और इसको कॉन्जुगेशन नहीं कहना बल्कि कॉन्जुगाट सी ओन होता है। अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ, यहाँ पर आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर ऐसे एस लिखा हुआ है ना, लेकिन एस को प्रोनाउंस करते हैं किस वजह से करते हैं, टे की वजह से, कुछ टी और आई जब आते हैं ना, टी और आई जब आते हैं तो वो इसमें एस की आवाज़ दी जाती है। अब इसकी कोई कंसेप्ट नहीं दिया हुआ है, जस्ट जहाँ पर भी टी और आई आते हैं ना तो टी के बाद एक एस की आवाज़ दी जाती है, एस लिखते नहीं है, कुछ होता नहीं है यहाँ पर। मैंने आपको यहाँ पर इसलिए लिख कर दिखा दिया है कि आपने प्रोनाउंस इसको ऐसे करना है, ठीक है, कॉन्जुगेट सी ओन, ठीक है, और इस वजह से अब मैं इसको दोबारा रेज कर रहा हूँ, टी के बाद जो एस लिखा हुआ है इसको प्रोनाउंस करते हैं वो। आप डिक्शनरी के ऊपर, आपको डिक्शनरी जो दी हुई है उसके ऊपर जो भी वर्ड सर्च करते हैं वहाँ पर साथ स्पीकर का बटन होता है, स्पीकर पर क्लिक किया करें, वहाँ पर आवाज़ आपको आ जाती है हिरन की, कैसे वो उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। और ये इस वर्ड के क्या नाम है, अल्फ़ाबेट को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, हमारे पास साकिब बताएंगे आप, इस अल्फ़ाबेट को ए को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं जर्मन में। हाँ हाँ कितना हाँ कितना बिल्कुल जी, आ से, और इसको हम मिक्स करें आ के साथ गे जी लगा दें तो ये हो जाएगा गा, ठीक है, आ से गा, आ गा, और कांजो गा, कांजो गॉट सी ओन। इस तरह आपने वर्ड बाय वर्ड सिंगल वर्ड के साथ पहले आपने शुरू करना होता है, फिर इस तरह वर्ड बढ़ा के उसको कंप्लीट वर्ड ऐसे बोलना है, ठीक है, शुरू शुरू में आपको ऐसे करना पड़ेगा। जब आपको स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही तो आप सिंगल वर्ड उसका देखते हैं, ठीक है, और फिर उसको बाकी उसके वर्ड साथ मैच करके फिर कंप्लीट बोलते हैं, जो हमने बेसिक पढ़े अल्फ़ाबेट, कल भी मैंने लेक्चर आपको और बताया था, जैसे आपने देखा होगा रिकॉर्डिंग में कि अल्फ़ाबेट के ऊपर काफ़ी इसके इसके ऊपर मैंने जोर दिया, इंपॉर्टेंस है इनकी, अल्फ़ाबेट आपको जितने अच्छे आते होंगे उतने आप वर्ड ईजिली आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वर्ब कॉन्जुगेशन, वर्ब कॉन्जुगेट सी ओन, इसका मतलब है वर्ब कैसे यूज़ करना है सेंटेंस के अंदर। जैसे हम इंग्लिश में देखते हैं सिंगुलर के साथ, ऊपर मैंने राइट साइड पर लिखा हुआ है ग्रे में, इंग्लिश में हम एग्जांपल ले रहा हूँ, सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगाते हैं, ऐसे है ना, एक सिंपल टेंस जो होता है, और इसके बाद जो प्लूरल होते हैं उनके साथ एस या ई एस नहीं लगाते हम, ठीक है, और सेम टू सेम वो उसको कहते हैं वर्ब की कॉन्जुगेशन, मतलब वर्ब जो है ना सब्जेक्ट के साथ कैसे यूज करना है। इसी तरह हमारे पास जर्मन के अंदर भी जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, भाई इस सब्जेक्ट के साथ इस तरह यूज होगा, इसमें इस तरह होगा। तो उसमें हम देखें इंग्लिश में हम ये केस होता है कि प्रेजेंट के अंदर ये वर्ब होगा, अगर पास्ट होगा तो उसके साथ ये वर्ब होगा, और परफेक्ट होगा तो उसके साथ ये वर्ब होगा, लेकिन जर्मन के अंदर यहाँ पर हर सब्जेक्ट के साथ ना ये वर्ब चेंज हो जाता है, कुछ के साथ सिमिलर हो जाता है, दो या तीन के साथ, लेकिन कंसेप्ट यही होता है कि हर सब्जेक्ट का अपना रूल होता है, इसके साथ ये वाला वर्ब यूज होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आई से, तो आई हम इश्क हमने कल पढ़े थे, पर्सनल प्रोनाउन, इश्क कहते हैं आई को, ठीक है, तो इश के साथ जो वर्ब यूज होगा वो क्या होगा, उस वर्ब के लास्ट के ऊपर जो मैंने रेड के अंदर किया हुआ ई आएगा, ठीक है, उस वर्ब के लास्ट के ऊपर ये वाला ई आएगा जब उसके इश यूज करेंगे, जैसे इश कॉमे आई कम, ठीक है, इश कॉमे का मतलब होगा आई कम, मैं आता हूँ, आगे हम वर्ब बाद में लगाएंगे कंप्लीट टेंस जब पढ़ेंगे। तो ऊपर मेन वर्ब क्या है, कॉमेन होता है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना टू कम, है ना, और वो एक वर्ब होता है, अगर मैं कहता हूँ ही कम्स, ही आता है तो उसके साथ एस का एडिशन हो जाता है, इस तरह यहाँ पर भी इश है, इसके साथ भी कुछ वर्ब के साथ चेंजिंग आती हैं। अब देखें कॉमन असल वर्ब होता है मेन, इसको हम इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं, कॉमन मेन टू कम आना, ठीक है, और इश के साथ जब ये यूज होगा कॉमन तो इसके ऊपर लास्ट में क्या हो जाएगा, ई एन हटा के क्या लग जाएगा, ई लग जाएगा, ठीक है, आप जस्ट ये कंसीडर कर लें एन हटा दिया है, वैसे रूल कंसेप्ट यही समझा जाता है इसको, ई एन हमने हटाया है, ई एन हटाने के बाद हमने लास्ट में क्या लगा दिया, ई लगा दिया, ठीक है, तो इसके साथ जब भी वर्ब आएगा तो उसके एंड पे ई आता है, ठीक है, लास्ट में रेड किया हुआ है, इस वजह से किया हुआ है कि जब भी इसके साथ वर्ब आएगा उसके साथ ई आएगा, इश्को में। सेकेंड वर्ब देख लेते हैं, एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन मीन टू स्पीक होता है, ठीक है, बोलना, स्पीक,
तो इश के साथ कैसे यूज होगा, आप भी वही रूल लास्ट में ई एन हटा देंगे हम, ई एन की जगह क्या लगा देंगे, ई लगा देंगे, इश प्रेशे हो जाएगा। इसको प्रोनाउंस करते हैं शप्रेशे, ठीक है, क्योंकि मिडल में क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। शप्रेशे भी बोल सकते हैं, शप्रेशे इस तरह भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो शप्रेशे होगा ये। एक और वर्ब देख लेते हैं, हाइसन, इसको कहते हैं हाइसन, हाइसन मीन होता है टू कॉल्ड, ठीक है। तो इसके साथ भी वही ई एन हटा के हमने क्या लगा दिया, ई लगा दिया, इश हाई से, आई कॉल्ड इश हाई से आबिद, माई नेम इज आबिद, इसका मतलब ये होगा, या आई एम कॉल्ड आबिद, ये हमने कल एक्सरसाइज भी की थी, हाइसन यूज हुआ था उसमें, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर बाद में आते हैं, लास्ट वाला कॉलम हेल्पिंग वर्ब वाला है। उसके बाद ये था इश के साथ क्या रोल होगा, आपने यहाँ पर एक चीज नोट किया कर लिया है कि इश के साथ जब वर्ब आएगा उसके लास्ट में एंडिंग में ई आएगा, ठीक है। तो सब वर्ब के साथ मैंने ऐसे ऑल के साथ ऐसे किया हुआ है, रेड किया हुआ उसको, ई को। अब आते हैं वियर के ऊपर, वियर हम कहते हैं वही को, ठीक है, वी को। अब वी के साथ वर्ब चेंज नहीं होता, ठीक है, जैसे है वैसे क्या वैसे ही रहेगा, जैसे कॉमन है तो वो कॉमन ही रहेगा, ठीक है। रेड इसलिए किया हुआ है ई एन, ताकि आपको याद रहे कि वो उसके लास्ट में ई एन आता है वर्ब के लास्ट के ऊपर, जैसे वर्ब होता है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने यहाँ पर नोट कर लेते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं ना कोई वर्ब हो तो हम उसको कहते हैं, उसके साथ टू लगाते हैं, ठीक है ना, टू गो, टू प्ले, टू ईट, इस तरह, ठीक है, टू लगाते हैं हम। जर्मन में टू नहीं लगाते, टू कॉमन, टू सप्रेशन नहीं आता, ठीक है। इसके साथ क्या होता है, इसकी एक वर्ब की पहचान होती है, उसके एंड में ई एन होता है, ठीक है। जर्मन वर्ब का जो भी जर्मन का वर्ब है उसके एंड में ई एन लगा होता है, ठीक है। जब हम इंग्लिश में कहते हैं तो हम उसके साथ वर्ब के साथ टू लगाते हैं, और ठीक है, वो हमारे हम पता हमें पता चल जाता है कि ये वर्ब है, इसके साथ टू लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जर्मन के अंदर कोई प्रेपोजिशन टू नहीं लगाते, जस्ट उसको ई एन लास्ट में निशानी होती है, इसको देख कर हम कह देते हैं कि ये जो है ना वर्ब है एक। तो हर वर्ब के एंड में ऐसे होता है, जो इन्फिनिटिव फॉर्म बेसिक फॉर्म होती है, ठीक है। जब इस तरह वीर के साथ क्या हो जाएगा, वी के साथ कॉमन सेम रहेगा, शिप्रेशन सेम रहेगा, यहाँ पर हाइसन सेम रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं एक और थर्ड सब्जेक्ट के ऊपर, यानी डू के ऊपर। कल हमने डू भी देखा था कि डू मीन होता है सिंगुलर, जो तू कहते हैं हम उसके लिए, ठीक है, सिंगुलर पर्सन, सेकेंड पर्सन। तो डू के साथ क्या होती है, वर्ब की कॉन्जुगेशन ई एन हटा के हम क्या लगा देते हैं, एस टी लगा देते हैं डू के साथ, डू कॉम्स्ट, ठीक है। इसके साथ ई लगाया था हमने, अब यहाँ पर ई एन हटा के डू के साथ जो भी वर्ब यूज होगा उसमें हम क्या लगा देंगे, एस टी लगा देंगे, एस टी का एडिशन हो जाएगा उसमें, ठीक है, लास्ट के ऊपर, डू कॉम्स्ट। इस तरह यहाँ पर हमारे पास है डू, क्या हो जाएगा, डू के साथ हम एक्सप्रेशन को कंजुगेट करेंगे तो ये हो जाएगा डू शब्दिक्स्ट। और इस तरह हमारे पास है हाइसन, हाइसन इन टू कॉल्ड कहलाना, तो इसके साथ ई एन खत्म करेंगे तो हमने यहाँ पर लगाना था एस टी लगाना था, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, टी लगा हुआ है। अब इसकी रीज़न क्या है, पहले से ही डबल एस मौजूद है, पहले से ही डबल एस लगा हुआ है, तो हम फिर दोबारा एस नहीं लगाएंगे, ट्रिपल एस हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब डबल एस होता है, ठीक है। ये जो बेशकल क्या है इसको एस सेट कहते हैं, और ये डबल एस की जगह यूज़ होता है, तो ट्रिपल एस हो जाएगा, इस वजह से जस्ट टे लगा दिया हमने। और यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है एक और डू सब्जेक्ट्स में, इसमें और भी कोई चेंज आ रही है डू के साथ? आई यूज हो रहा जी है ई की अक्सर, जगह। जी सही। तो ये कोई कंसेप्ट नहीं है ऐसा, ये आमतौर पर ये हमें वर्ब के साथ याद हो जाएगा कि कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके मिडल के अंदर जो वावल होते हैं ना, ए आई ओ यू, ठीक है ना, वावल आपको पता है ना पांच होते हैं ये जो इंग्लिश में, ए आई ओ यू। तो आमतौर पर जब भी चेंज होते हैं ये वाले चेंज हो जाते हैं, जब डू के साथ यूज होते हैं या सिंगुलर के साथ यूज होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है जिस तरह हमारे पास, उनके साथ ये वाला ना आई होगा या ए होगा, उनमें कुछ चेंजिंग आ जाती है, तो ये हमें याद रखना होगा। डू के साथ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा जस्ट, हमने इसको बस याद रखना होगा, ये याद हो जाता है वैसे भी। और ये हर वर्ब के साथ नहीं होता, चंद एक जो इरेगुलर वर्ब होते हैं ना, एक्सेप्शनल वर्ब होते हैं, उनके साथ होता है ये। देखें कॉमन के साथ नहीं हुआ था, कॉमस्ट, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई थी, हाइसन के साथ भी कोई चेंजिंग नहीं आई, तो चंद एक होते हैं। उसके बाद हमारे पास एयर मीन होता है यू, सेकंड पर्सन प्लूरल होता है यू, ईयर होता है। और इसके साथ क्या होता है, ई एन हटा के हम क्या लगाते हैं, टी लगा देते हैं, देखें जो लास्ट में लगा हुआ एयर कॉम्ड, ठीक है, इस तरह एयर शिप्टी,
ई भी चेंज हुआ आई के अंदर, और लास्ट में ई एन की जगह हमने टी लगा दिया, ई एन शिप्टिख। और हाइसन में भी ऐसे किया, ई एन हटा के टी लगा दिया, एयर हाइस्ट। ठीक है, जब भी इनके साथ वर्ब, ये एग्जांपल ले रहे हैं तीन वर्ब की, बाकी भी जो भी जितने भी वर्ब यूज़ करेंगे, ये एक रूल है कि हमने लास्ट में ये एडिशन इश के साथ ई करेंगे, डू के साथ एस टी करेंगे, एयर के साथ टी एडिशन कर देंगे ई एन की जगह। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आर एस जी, जी जो हमने कहा था यू सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए, फॉर्मल के अंदर जो यूज़ करते हैं, यू फॉर्मल यू होगा, तो उसके लिए जी, उसके साथ आपके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, जिस तरह वेयर के साथ कोई चेंजिंग नहीं आई, तो यहाँ पर जी के साथ भी कोई चेंजिंग नहीं करते। जैसे वर्ब हमने पढ़ना है फर्स्ट फॉर्म, उसकी वैसे ही यूज़ करते हैं, जी कॉमन सप्रेशन, जी हाइसन। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास और जी जो है, ये दे के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सेकंड पे इसके भी कॉन्जुगेशन के अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी, ये प्लूरल है। ठीक है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट एक बनता है, जो प्लूरल वाले हैं इनको बल्कि मैं ब्लैक ही कर देता हूँ, जो प्लूरल वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उनका क्या है, उनके अंदर वर्ब कॉन्जुगेशन के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती। ठीक है, जैसे वियर प्लूरल होता है, वियर मीन वी होता है, हम लोग। ठीक है, इस तरह ये जो जी है इसके अंदर भी क्या है, प्लूरल होता है एक जी, इसको प्लूरल समझा जाता है। जो हमारे पास जी फॉर्मल के अंदर भी हम यूज़ करते हैं ना, जो फॉर्मल में यूज़ कर रहे हैं वो सिंगुलर भी है। ठीक है, थोड़ी सी ये एक चीज़ है, सिंगुलर है, लेकिन प्लूरल के लिए भी यही यूज़ होता है। ठीक है, तो इसके साथ भी वर्ब के अंदर कोई चेंजिंग नहीं करते, और दे वाला जो है जी, उसके साथ भी वर्ब की चेंजिंग नहीं करते। ठीक है, प्लूरल में आता है। अब आ जाता है जी जो है ना शी के लिए, जो हम शी के लिए जी यूज़ करेंगे उसके साथ क्या आएगा, टी की एडिशन होगी। ठीक है, जैसे हमने ऊपर एयर के साथ एडिशन की थी, सेम टू सेम जी के साथ भी क्या होगी, टी की एडिशन होगी, जी काउंट, जी शिफ्ट, जी हाइस्ट। ठीक है, अब ये देखें आप क्या डिफरेंस कैसे करेंगे। कल भी मैंने कहा था, ये हम कुछ आगे चल के सेंटेंस कुछ पढ़ेंगे ना, उसके अंदर हमें आइडिया हो जाएगा कि ये वाला जी जो है सब्जेक्ट, इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, किसके लिए कौन सा यूज़ हुआ है, दे वाला हुआ है, शी वाला हुआ है, या फिर यू वाला हुआ है। ठीक है, अब ये सेंटेंस हम जब पढ़ेंगे ना, जब उनमें पता चल जाएगा हमें, ओ बस यही डिफरेंस होगा। हम देखेंगे वहाँ पर एस कैपिटल होता है इसका जी का, और इसका जो है ना कॉन्जुगेशन वर्ब की कॉमन, इसमें चेंजिंग नहीं आती, और शी वाले के साथ जो वर्ब यूज होता है उसमें चेंजिंग आ जाती है, टी लग जाता है, इस वजह से हमें पहचान हो जाती है वहाँ से। और एयर, एयर हम ही के लिए यूज़ करते हैं, और एयर कॉम्प्ट, एयर शिप, एयर हाइस्ट। ठीक है, टी टी इसके अंदर देखें एडिशन हुई है, इसमें ये चीज़ एक देख लें, यहाँ पर जो सिंगुलर है ना, शी वाला हो गया, ही हो गया, और इट हो गया, इनके साथ भी क्या है, वर्ब के एंड के ऊपर लास्ट में क्या हम एडिशन करेंगे, टी करेंगे, और एयर के साथ ऊपर इनके साथ भी टी आती है। ठीक है, तो इनकी सब की एक ही कॉन्जुगेशन होती है, ही शी इट की, और जी एयर एज की। ठीक है, जस्ट वर्ब के लास्ट के ऊपर हमने टी लगा देना है, जस्ट इनकी ये कॉन्जुगेशन होगी। ठीक है, सबकी। और जो मान होता है, जो वन यूज करते हैं, या मैन भी कहते हैं हम, जो हम पर्सन को सिंपल मैन कह देते हैं, उसके साथ भी क्या होगा, काउंट होगा, मतलब जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ही या शी के या इट के केस में यूज हो रहा होगा, उसके साथ हम टी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, और लास्ट के ऊपर मैंने ये लिख दिए हैं कॉलम लास्ट के ऊपर, कि हमने इश के साथ ई एडिशन किया है, ई एन की जगह, वेयर के साथ लास्ट में वहाँ के एंड पे ई एन ही आता है जैसे होता है, और डू के साथ एस टी आता है लास्ट के ऊपर, एयर के साथ टी आता है, जी जो है दोनों प्लूरल वाला और दे वाला, इनके एंड में ई एन आता है, और शी शी सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी है, इनके सब के लास्ट के ऊपर टी आता है जस्ट। ठीक है, तो ये कह लो एक कॉन्सेप्ट है, जो रूल है। इसमें आपको चीज समझ आई है कि वर्ब की कंजुगेशन कैसे होती है, जस्ट जी हमने क्या करना था, हमने वो करना था लास्ट में वर्ब के ऊपर हमने एडिशन लगानी थी, बीच में क्या क्या आएगा। इसी तरह अब हम चल रहे हैं कुछ एग्जाम्पल के ऊपर, जैसे यहाँ पर है अभी एक लास्ट वाला कॉलम जो है ना, ये वाला रहता है, ये है हेल्पिंग वर्ब, इसको डिस्कस करते हैं, पहले हम आगे एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, अब ये वाली एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, कॉन्जुगेशन जो हमने अभी सीखी है, कॉमन एक वर्ब अगर ले लेते हैं हम, इनको इस कॉमन को हम तमाम सब्जेक्ट के साथ यूज करके देखते हैं, जैसे इश्को में आउस पाकिस्तान। ठीक है, आई केम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, या पाकिस्तान से
हूँ मैं, ठीक है। तो इश्क के साथ देखें, कॉमन था, हमने क्या कर दिया, कॉमे कर दिया इश्क में। वेयर के साथ हमने क्या कर दिया, हम अगर हम कहें कि ना हम पाकिस्तान से आए हैं, वही वही कहाँ, वही केम फ्रॉम पाकिस्तान, तो यहाँ पर ये हो जाएगा वेयर कॉमन हाउस पाकिस्तान। हाउस मीन फ्रॉम होता है और कॉमन मीन वही टू कम। इसी तरह ये मैं लेक्चर के एंड के ऊपर आपको स्लाइड शेयर कर दूंगा, आपने इन सब के सब्जेक्ट के साथ देखना है। डू के साथ एसटी लगता है, डू कॉम्स्ट आउट पाकिस्तान, इनको सबको पढ़ लेना है। जस्ट ये कंजुगेशन हुई है वर्ब की, एयर कॉम्ट एस कॉम्ट, ठीक है, जी कॉम्ट हाउस पाकिस्तान, डेयर मान कॉम्ट हाउस पाकिस्तान, ठीक है। जस्ट इसमें हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, यानी हम वर्ब कैसे यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, ठीक है। अब हम आ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के ऊपर, जो हमारे पास इस एमआर होते हैं इंग्लिश में, ये जर्मन के अंदर ये होता है जाइन, ठीक है। अब इसको जाइन कहते हैं जर्मन के अंदर, और इंग्लिश में टू बी कहते हैं, टू और बी जो होता है। और उसकी एग्जाम्पल क्या है, इज होता है सिंगुलर के साथ, एम होता है आई के साथ, आर होता है प्लूरल के साथ। सेम टू सेम यही केस जर्मन के अंदर भी है। इश के साथ क्या होगा, डू के साथ क्या होगा, वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर इश है फर्स्ट के ऊपर, तो इश के साथ क्या होता है, बिन होता है, ठीक है। इश बिन आई एम, इश बिन आबिद, आई एम आबिद। या फिर अगर मैं कहता हूँ आई एम अ डॉक्टर, तो वहां पर कहेंगे इश बिन आर्स्ट, ये वो हेल्पिंग वर्ब ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। ये इसको हम जाइन कहते हैं वैसे, ठीक है, जाइन। और जब इसको यूज करते हैं ना सब्जेक्ट के साथ, तो इसमें फिर चेंजिंग आ जाती है। ये जाइन जो है ना इश के साथ बिन हो जाता है ये, ठीक है। और वेयर के साथ क्या हो जाता है, जिंड हो जाता है, जिंड, इसको जिंड कहना है। और डू को क्या कहना है, बिस्ट कहना है, डू के साथ बिस्ट हो जाता है। और ईयर जो है यू प्लूरल के लिए ईयर के साथ हो जाता है एजाइड, ठीक है, एयरजाइड। आपने इसको जेड की आवाज से पढ़ना है, एयरजाइड। और बाकी जो जी है उसके साथ भी जिंड, और दे वाला जी उसके साथ भी जिंड। यहाँ पर भी वही केस है, अभी हमने जो देखा, जो जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं ना, जमा वाले जो होते हैं, उनके साथ क्या होता है, जिंड होता है उनके साथ, ठीक है। और वर्ब की कॉन्जुगेशन जैसे चेंज नहीं हुई थी, इस तरह ये ऊपर ये नहीं कहना आपने, ऊपर जाइन था इसकी कॉन्जुगेशन, बेसिक फॉर्म्स यहाँ पर जाइन ही लगा दें हम, वो जाइन नहीं लगाएंगे। ये जाइन इनके साथ जिंड हो जाता है, वो एक जनरल टर्म है। जाइन मीन होता है टू बी होता है, ठीक है, टू बी। इंग्लिश में हम टू बी किसी के साथ नहीं करते ऐसे, इश के साथ, आई के साथ, एम, वेयर के साथ, आर, और सिंगुलर के साथ इज होता है, टू बी नहीं हो रहा होता यू। इस तरह जाइन भी यूज नहीं होता खुद, बल्कि इसकी जगह क्या हो जाता है, जिंड होता है। और वेयर के साथ भी जिंड है, और जो सिंगुलर है बाकी सब, उन सब के साथ इस्ट हो जाता है, ठीक है, इस्ट। और इसका मतलब इज होगा, ठीक है, जर्मन में इज होगा इंग्लिश में। और बिन का मतलब एम होगा, और जिंड जो प्लूरल है इसका मतलब आर होगा, ठीक है। और डू के साथ बिस्ट, ये भी नोट कर लें इसको। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, इनको हम एग्जाम्पल में यूज करें, तो यानी जाइन इज एम आर हेल्पिंग वर्ब जो है। एग्जाम्पल देखें तो मैं कहता हूँ इश बिन स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, इसका मतलब ये है, ठीक है। वी आर जिन स्टूडेंट इन, वी आर स्टूडेंट, ये स्टूडेंट्स का प्लूरल होता है, ये स्टूडेंट, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे सिंगुलर प्लूरल, स्टूडेंट सिंगुलर होता है और स्टूडेंट इन प्लूरल होता है। और डू बीस्ट स्टूडेंट, ठीक है, यू आर स्टूडेंट, एयर जाइड स्टूडेंट इन, यू आर स्टूडेंट्स, ठीक है, और जीज इन स्टूडेंट इन, यू आर स्टूडेंट्स। इस तरह आप सबके साथ इज हेल्पिंग वर्ब आप सबके साथ यूज करिएगा, ये इसको मतलब पढ़िएगा जब मैं आपको स्लाइड शेयर करूंगा लेक्चर के बाद, ठीक है। ये जस्ट आपने इसको पढ़ लेना, आपको बिल्कुल रेडी हो जाएगा कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसे कॉन्जुगेट हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है ये, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है आपका, मैंने ये वर्ब का टॉपिक आपको पढ़ाया है जो। नहीं ठीक है। ठीक है, और उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट, मूव करते हैं। ये एक ग्रामर का पार्ट एक नहीं है खास कोई, लेकिन टॉपिक दिया हुआ है, चैप्टर में आ रहा है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर आता है, तो हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। वे फ्रॉग ए मीन होता है डब्ल्यू क्वेश्चन, फ्रॉग ए मीन होता है क्वेश्चन, ठीक है। वे या डब्ल्यू इसलिए लगाया क्योंकि डब्ल्यू वर्ड के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो, ठीक है। और डब्ल्यू वर्ड के साथ जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर, ये एंट वर्ड मीन होता है आंसर, ठीक है, एंट वर्ड मीन आंसर है। तो उसका आंसर हम किस तरह देते हैं, जो क्वेश्चन डब्ल्यू से स्टार्ट होता है उसका आंसर हम कैसे देते हैं, उसके अंदर एक चीज देखेंगे हम, इसका आंसर यस और नो के अंदर नहीं होता, ठीक है। जैसे हम कहते हैं आप कैसे हैं, मैं आपको कहता हूँ आप कैसे हैं,
आप यस और नो नहीं कह सकते, आप कुछ ना कुछ बताएंगे, आप एक्सप्लेन करेंगे मैं ठीक हूँ या मैं ठीक नहीं हूँ, इस तरह कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह डब्ल्यू क्वेश्चन जो भी होते हैं ना, डब्ल्यू के जो स्टार्ट होते हैं उसका आंसर यस और नो के अंदर नहीं होता, ठीक है। और इसी चीज़ को भी डिस्कस भी हो जाएगी ये चीज़ साथ साथ, और ये वाले जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट टाइम जो हम मीटिंग करते हैं उसके अंदर भी यूज़ होते हैं। जब हम इंट्रोडक्शन किसी का लेते हैं ना, आप कहाँ से हैं, कौन है, आपका नाम क्या है, किधर से आए हैं आप, तो ये क्वेश्चन वहाँ पर यूज़ होते हैं। तो इस चैप्टर में ये वाले क्वेश्चन भी यूज़ होंगे एक्सरसाइज के अंदर, इसलिए इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है पोजीशन, ऊपर देखें पोजीशन, एक वन है, टू है, और उसके बाद सेंटेंस का एंड है। ये इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ यहाँ पर क्योंकि जर्मन के अंदर पोजीशन जो है ना वर्ब की फिक्स होती है सेकंड, जिस तरह इंग्लिश में भी होती है वैसे सेकंड पोजीशन पे आता है वर्ब, लेकिन जर्मन के अंदर इसको बिल्कुल इसकी सेकंड पोजीशन रखी जाती है, इसको चेंज नहीं किया जाता, फर्स्ट के ऊपर या थर्ड के ऊपर लेके जाना इसको नहीं किया जाता चेंज। इसी तरह यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है कि जो हमारे पास वर्ब होगा ना वो इस सेकंड पोजीशन पे ही रहेगा सेंटेंस के अंदर, ठीक है ना। तो इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, वी गेट एस डियर, हाउ आर यू, ठीक है। अब गेट गेहन होता है, और इसके बाद इसका मतलब होता है इट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग, आप कैसे हैं या आपके मामला कैसे हैं। और गेहट जो है ना एज के साथ यूज़ हुआ है, एज हमने ऊपर अभी देखा था, एज जो है ना सिंगुलर या इट के तौर पर आता है, और जब एज आएगा ना तो एज के साथ हम वर्ब की लास्ट पे क्या लगाएंगे, टी फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। असल वर्ब गेहन होता है, GEHEN होता है, यहाँ पर इसको क्या कर दिया, कॉन्जुगेट कर दिया, गेहट हो गया ये। और वी मीन होता है हाउ, लेफ्ट लेफ्ट साइड के ऊपर इनके मीनिंग लिखे हुए हैं सबके ना साथ, वी मीन होता है हाउ, हाउ आर यू, जब हम कहते हैं आप कैसे हैं तो आप इन्हें कहना है वी कैट एस डियर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है एक और वज, वज मीन होता है वट, ठीक है, इधर लिखा हुआ लेफ्ट के ऊपर, वज इज योर नाम है, वट इज योर नेम। अब देखें इस्ट किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर, इसका जो सब्जेक्ट होगा हमारे पास क्या होगा, नामे, ये नाम होगा, इसको नामे कहते हैं जर्मन में। तो नामे जो है ये होता है एक, इसको मैस्कुलिन का कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पर ही यूज करते हैं ना मैस्कुलिन, जब मैंने अभी कहा था कि जो मैस्कुलिन होगा उसके लिए ही यूज करेंगे, तो एयर के साथ जो कॉन्जुगेशन हुई थी ना टी फॉर्म की, वही यहाँ पर नाम के साथ भी वही कॉन्जुगेशन होगी। ऊपर पीछे देख लेते हैं हम, यहाँ पर देखें जो एयर के साथ कॉन्जुगेशन हुई है टी फॉर्म लगी है, ठीक है, वर्ब के एंड के ऊपर टी, तो जो नाम है वो भी ही के तौर पर यूज होता है, ठीक है, मैस्कुलिन है ना वो भी, एयर भी मैस्कुलिन होता है, ही होता है, तो यहाँ पर भी वही केस है, जो नाम है वो डेयर नाम होता है मैस्कुलिन, तो उसके साथ इस्ट होगा, ठीक है। वट इज योअर नेम, और वेयर मीन होता है हो, ठीक है, कौन, वेयर विश टू, हु आर यू, आप कौन हैं या आपका नाम क्या है, या आप अपना इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डू के साथ यूज हुआ है, ठीक है, डू के साथ क्या करते हैं हम एस टी फॉर्म लगाते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, बिस्ट मीन जो हम इज मार्क कहते हैं, और होगा यहाँ पर इसका मतलब। और साथ साथ इनके आंसर भी देख लेते हैं हम, ठीक है, लेफ्ट साइड के ऊपर आंसर हम कैसे करेंगे, जो डब्ल्यू क्वेश्चन आते हैं वी गेट एस डियर हाउ आर यू, तो हम कहते हैं मे गेट एस गुड, आई एम गुड, या इट इज ओके विद मी, और वाज इस्ट एयर नाम, व्हाट इज योर नेम, माई नाम इज आबिद, माई नेम इज आबिद, सिंपल है, ठीक है। और वेयर बेस्ट टू, हु आर यू, इश बिन आबिद, या आई एम आबिद, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है वी, वी मीन होता है हाउ जैसे ऊपर था, और वी हाइसन जी, हाउ आर यू कॉल्ड, इन सब का मतलब एक है, ठीक है, इन तीनों का, वी इस्ट एयर नाम है, आपका नाम क्या है, या आप कौन हैं, या आप क्या कहलाते हैं, तो इन सब का आंसर भी सेम कर सकते हैं, क्वेश्चन भी इनका सेम बना सकते हैं इन आंसर का, ठीक है। तो इश हाई से आबिद, ठीक है, वी हाई सन जी, ठीक है, और इश हाई से आबिद। अब जी के साथ हमने क्या कहा था, जो एस कैपिटल होता है वो हमारे पास फॉर्मल जी होता है, ठीक है, तो इसके साथ वर्ब की कॉन्जुगेशन क्या होगी, लास्ट के ऊपर ई एन आएगा उसके अंदर, ठीक है, अभी आयसन जी, इश आय से आबिद। इसी तरह हमारे पास वो मीन होता है वियर, कहाँ पर, वो वोहरन जी, वियर डू यू लिव, आप कहाँ पर रहते हैं, इश वोने इन पाकिस्तान, आई लिव इन पाकिस्तान, ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। ऐसे इश के साथ क्या हो जाएगा, लास्ट में देखें ई फॉर्म आ रही है, लास्ट के ऊपर कॉन्जुगेशन में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ये भी आप नोट करें, अभी हमने डिस्कस किया ऊपर, इश हाई से, ठीक है, इश वो ने इन पाकिस्तान,
और नेक्स्ट हमारे पास है वोहर, वोहर कहते हैं फ्रॉम वियर, ठीक है, फ्रॉम वियर, वोहर कॉमन सी, फ्रॉम वियर केम यू, आप कहाँ से आए हैं, ठीक है, तो मैं कहता हूँ इश्क कमी हाउस पाकिस्तान, आई केम फ्रॉम पाकिस्तान, तो यहाँ पर लास्ट की एंडिंग भी देख लें, ई लगी हुई है यहाँ पर। और वारूम स्टूडेंसी, वारूम मीन होता है वाई, ठीक है, वारूम स्टूडेंसी, वाई डू यू स्टडी, आप स्टडी क्यों कर रहे हैं या क्यों करते हैं, तो उसका आंसर आप कोई भी दे सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं आई बीन स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, और या फिर मैं कह सकते हैं इश्वारे नाक डॉयचलैंड, आई विल ट्रेवल टूवर्ड द जर्मनी, मैंने जर्मनी जाना है वहां पर इसलिए सीख रहा हूँ मैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। और देखिए इन सब का आंसर येस और नो के अंदर नहीं होता है, ये चीज भी नोट करनी है। और वन मीन होता है वेन, वन फांग डास अन, और यहाँ पर फांग मीन होता है टू स्टार्ट, ठीक है, मैंने ब्रैकेट में यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, फांग मीन होता है टू स्टार्ट, और यहाँ पर अन एंड में लगा हुआ, यह है ट्रेन बाय वर्ब, ये सेंटेंस के लास्ट के ऊपर अन आता है, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ट्रेन बाय वर्ब के अंदर उसके दो पार्ट होते हैं, अन शुरू में आता है वो उसका फर्स्ट पार्ट जो है ना फिर लास्ट में आ जाता है, अनफंगेन होता है एक मेन वर्ब, ठीक है, अब ये जब सेकंड पोजीशन पे आता है ना फंक्ट, तो उसका फर्स्ट वाला पार्ट लास्ट पे आ जाता है, ठीक है, सेंटेंस के एंड के ऊपर, ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे ये क्यों आता है एंड के ऊपर। तो डास मीन होता है एज या इट होता है, ठीक है, व्हेन इट स्टार्ट, फंगेन मीन होता है टू स्टार्ट, वन फांग टास अन व्हेन इट विल बी स्टार्ट, मतलब हम क्लास की बात करें क्लास कब स्टार्ट होगी, तो हम उसकी जगह कह सकते हैं वन फांग टास अन, तो उसका आंसर मैं कैसे करूंगा, डास फांग टुम अख्त वारन, इट विल स्टार्ट ऑन द 8 o'clock, इट विल स्टार्ट एट 8 o'clock, ठीक है, ओवर कहते हैं क्लॉक को यहाँ पर, अख्त मीन 8 होता है, ठीक है, मीन एट होगा यहाँ पर। और इस तरह हमारे पास नेक्स्ट है वेल्शे शिप्राके स्पीक्स टू विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, स्पीक मीन यहाँ पर क्या है टू स्पीक, शिप्रेशन अभी हमने देखा था, ठीक है, वेल्शे मीन होता है विच और शिप्राखे मीन होता है लैंग्वेज, ठीक है, ये शिप्राखे नाउन होता है इसको शिप्राखे कहते हैं, और जो हमने वर्ब देखा था वो होता है शिप्रेशन, ठीक है, नीचे लिखा हुआ मैंने, नीचे देखें शिप्रेशन लैंग्वेजेस होता, शिप्राखे लैंग्वेजेस होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला होता है वर्ब, शिप्रेशन मीन टू स्पीक, ऊपर वाला क्या होता है नाउन होता है, ठीक है, प्लूरल शिप्राकिन, और नीचे वाला क्या है वर्ब है शिप्रेशन टू स्पीक, इनमें जस्ट ए का डिफरेंस आ रहा है मिडल के अंदर, ए और ई का, ठीक है, तो मैं आंसर करता हूँ शिप्राखे शिप्रेशे उर्दू इंग्लिश एंड आई एम बिशन डॉइच, आई स्पीक उर्दू इंग्लिश एंड अ लिटिल बिट जर्मन, ठीक है, तो ये हमारे पास वे फ्रागे और अंटवर्ट है, ये हम एक्सरसाइज के अंदर भी देखेंगे, कोई क्वेश्चन है इसमें से आपका टॉपिक में से, नहीं, ठीक हो गया। ठीक है, तो चलते हैं बुक की तरफ, ओके। मैं बुक की तरफ आपको ले चलता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, जी कल हमने ये वाली एक्सरसाइज कर ली थी जो हमारे पास है कोर्स बुक के ऊपर 2A की ऑडियो थी, ये हमने सॉल्व कर ली थी, आज हमने करनी है नेक्स्ट, हमारे पास क्या है ये है 3A की, ठीक है, इसके ऊपर क्या है गुडन टाक ऑफ वीडरजेन, मतलब गुड डे, या उसके बाद ऑफ वीडरजेन क्या होगा गुड बाय जो हम कहते हैं, तो गुडन टाक गुड डे वी हाइसन जी हाउ आर यू कॉल्ड या व्हाट इज योर नेम, ह्यूरन जी लिसन जी हेयर एंड रीड यू, हाउ आर कॉल्ड द पर्संस, लोगों के नाम क्या है, तो हम इसको 1 मिनट, इसको कल हमने ऊपर, हाँ ठीक है कल भी की थी वो और थी ऊपर वाली, तो हाउ आर कॉल्ड द पर्संस, लोगों के नाम क्या है वो बताने हैं, तो पहले हम इनको पढ़ लेते हैं, मीनिंग देखते हैं फिर सुनते हैं, गुटन मॉर्गन गुड मॉर्निंग, माई नेम इज नीना वेबर, माई नेम इज नीना वेबर, और नेक्स्ट दूसरा पर्सन कहता है गुटन मॉर्गन फ्रॉ वेबर, गुड मॉर्निंग फ्रॉ फ्रॉ वेबर, फ्रॉ मीन होता है मैडम या हाँ मैडम या मैम, इश हाई से हानसेन, माई नेम इज हानसेन ओलिवर हानसेन,
और फिर यहाँ पर ये दो लोग बोल रहे हैं, गुटन टाग गुड डे फ्रॉ कोवाल्स्की, फ्रॉ कोवाल्स्की फ्रॉ मीन मैडम हो गया, गुटन टाग वो भी कह देती है फ्रॉ वेबर वी गेट एस इनन हाउ आर यू, तो वो कहते हैं डांके गुड थैंक यू गुड उंड इनन एंड यू, और आप कैसे हैं, आप गुड डांके आल्सो गुड थैंक यू, ठीक है। और ये फिर क्या कहते हैं गुटन टाग दोबारा, अब ये लोग ये तीन लोग हैं यहाँ पर इनकी बात हो रही है, फ्रॉ वेबर मैडम वेबर हेलो हेयर हांसेन, हेयर मीन होता है सर, ठीक है सर हांसेन हेलो, डाज इस्ट माई ने कुलीगन नटालिया क्वाल्सकी, शी इज माई कुलीग, और उसका नाम लिखे आया नटालिया क्वाल्सकी, ठीक है। तो इनमें से कोई भी कह रहा होगा, ये कह रही होगी ये या फिर ये, ठीक है, इस सर को बता रही है, ये बता रही है या फिर वो बता रही है, ये मेरी कोलीग है और इनका नाम नताले कॉल्स की है। तो गुटन डाग फ्रॉ कॉल्स की, ये फिर सर है उसको कॉल्स को कहते हैं गुटन डाग माई नेम इज हांसेन, माई नेम इज हांसेन, वो फिर कहती है जिसको इंट्रोड्यूस करवाया गुटन डाग एनशुल्डिगुंग कहते हैं एक्सक्यूज मी को, इसको यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पर, जी आइसन जी हाउ आर यू कॉल्ड ओलिफर हांसन, ठीक है वो जवाब दे देते हैं। इस तरह यहाँ पर ये तीन लोग दोबारा फिर बोल रहे हैं क्या कह रहे हैं, गुड बाय कह रहे हैं, ऑफ विडर ज़ेहन हियर हांसन चूज फ्रॉ वेबर, ऑफ विडर ज़ेहन फ्रॉ कॉल्सकी ऑफ विडर ज़ेहन, ये सिंपल ही हमने देख लिए इनके सब के मतलब। अब हम चलते हैं ऑडियो के ऊपर, ऑडियो सुनते हैं और इसके बाद नाम बताएंगे इनके क्या नाम है, मैं इसको प्ले करता हूँ एक मिनट। Aufgabe 3a. 1. Guten Morgen, mein Name ist Nina Weber. Guten Morgen, Frau Weber. Ich heiße Hansen, Oliver Hansen. Zwei. Guten Tag, Frau Kowalski. Guten Tag, Frau Weber. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Auch gut, danke. Hallo, Herr Hansen. Das ist meine Kollegin Natalia Kowalski. Guten Tag, Frau Kowalski. Mein Name ist Hansen. Guten Tag. Entschuldigung, wie heißen Sie? Oliver Hansen. Drei. Auf Wiedersehen, Herr Hansen. Tschüss, Frau Weber. Auf Wiedersehen, Frau Kowalski. Auf Wiedersehen. इसका क्या नाम होगा इस मैन का, ओलिवर हांसन। जी। और उसके बाद इस फ्राउ का नाम क्या होगा, गुटन मॉर सॉरी मॉर सॉरी नीना वेबर। जी गुड मॉर्निंग का, और उसने अपना नाम बताया, और यहाँ पर वही ऊपर से नीचे वही वुमेन है, तो ऊपर उसने नाम नीना वेबर बताया, तो नीना वेबर होगा, नीना वेबर। और फिर अब ये दो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, यहाँ पर इस ब्लैक वाली वुमेन ये अपना नाम बताया कि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं क्या बताया वो उसने, और इधर नीचे आई हुई है, ठीक है ब्लैक के ऊपर एरो जा रहा है, तो जी इसका नाम जी सही, तो फ्रॉक वॉल्स की है इनका नाम, और इसी तरह हाँ यही थे कंप्लीट है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट के ऊपर, मेरे पास है इसमें नोट ऊपर है, अच्छा ये भी हमने कल कर लिया था, ठीक है ये हमने करा था लास्ट ईयर आएगा था, ठीक है। अरिकेंसन सी मीन अरेंज यू, ठीक है आप देखिए यहाँ पर
जी जो है ना फॉर्मल वाला एस कैपिटल यूज हुआ है, हमने कल कहा था जी जो है ना उसका एस कैपिटल होगा जब भी फॉर्मल वाला, तो हम ये कह रहे हैं स्टूडेंट को, ठीक है आप अरेंज कर रहे हो आप, तो इनका मीनिंग ऊपर लिख देता हूँ मैं। कैन सी मी अरेंज यू, हेलो शाय से नीना, हेलो आई कॉल्ड नीना या माई नेम इज नीना, सेम मतलब है ठीक है। वी हाइस टू, और आपका नाम क्या है या हाउ आर यू कॉल्ड, ठीक है हाई सन मीन। अब देखिए यहाँ पर क्या अरेंज करना था, इसके अंदर वर्ब अरेंज करने थे जो हमने अभी हमने कॉन्जुगेशन पढ़ी है ठीक है, और उसके अंदर ये भी देखना था डू के साथ इनके साथ किस तरह फॉर्म यूज करते हैं ठीक है। तो इधर हमारे पास है इधर वो जिसका आंसर कर रही है कि आप कौन है ठीक है, आप कौन है, आपका नाम क्या है, उसका आंसर दे रही है इश पिंग यूलिया, माई नेम इज यूलिया या आई एम यूलिया, उन वी आर डैश टू, क्या मतलब होगा इसका आगे अगर हम उर्दू में देखें तो, कि मैं यूलिया हूँ और आप कौन है या आपका नाम क्या, ऐसे है ना। तो यहाँ पर क्या हम फील करेंगे, यहाँ पर क्या सूट करता है, अच्छा सॉरी ठीक अभी है दे मुझे भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, मैं इसके बाद हाँ क्लास के बिल्कुल बाद देखता हूँ इसको। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, कोई नहीं है वैसे एक्सरसाइज ये उन्होंने दे दी है बगैर वर्ड के, नीचे वैसे वर्ड दिया होता है जैसे नीचे ये है ना बॉक्स, तो जब ये फर्स्ट है तो कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा हाइसन जो होता है ना ठीक है ना, सही ठीक है वी हाइस डू, ऊपर जैसे उसने क्वेश्चन पूछा था वही नीचे हम लगा देते हैं ठीक है। इश मी यूरिया या आई एम यूरिया, मैं यूरिया हूँ और वी हाइस टू, आप क्या कहलाते हैं, आपका नाम क्या है, और ये भी लिख सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है ना उसको देखकर हमने इधर वही वर्ब उधर लगाना, इधर वर्ब क्या यूज हुआ है, इधर यहाँ पर बिन हुआ है, मतलब जब हमने जाइन की फॉर्म पढ़ी थी ना जाइन की फॉर्म जो है ना टू बी इज एम आर होता है बिन है, तो डू के साथ क्या होता है बिन, डू के साथ बिन जो है बीस्ट होता है ठीक है, वी आर बीस्ट टू, यहाँ पर ये होगा ठीक है। जैसे ऊपर हमने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा था हाई से ठीक है, इश के साथ हाई से था, डू के साथ हाईएस्ट लगाया, यहाँ पर बिन है तो डू के साथ बीस्ट ये भी लगा सकते हैं। तो सॉरी इसका इसका जो आंसर है ना फर्स्ट का ये वाला है ऊपर वाला वो देना हमने, हेलो इश हाई से नीना, हेलो आई कॉल्ड नीना, वी हाई स्टो, हाउ आर यू कॉल्ड, तो यही वर्ब हमने इधर लगाना है, क्या आएगा इश एमा, इश डैश एमा, ये हाइसन का वर्ब लगाना है हमने यही जो पहले सेंटेंस में लगा हुआ है, तो ये होगा इश हाई से एमा ठीक है, आई कॉल्ड एमा या माई नेम इज एमा ठीक है, जैसे यहाँ पर वर्ब था इस तरह नीचे दूसरा डायलॉग होगा इश बिन यूलिया, आई एम यूलिया, वी आर बिस्ट टू, हु आर यू, आप कौन है, तो फिर आप कैसे बताएंगे, यही वाला वर्ब यूज करेंगे क्लारा इश, जाइन फॉर्म यूज करेंगे इसके साथ इश बिन क्लारा हो जाएगा, ऐसे है ना जैसे इश बिन यूलिया कहा था, वेयर बिज टू, हु आर यू, आप कौन है या आपका नाम क्या है, इश बिन क्लारा, इसका आंसर वो बता रही है कि मैं क्लारा हूँ। इसी तरह थर्ड का हम पढ़ते हैं हेलो आने, हेलो आनी, तो यहाँ पर वी है तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं हाउ आर यू कॉल्ड, ये भी हो सकता है वी हाइसन जी या फिर बी गेट्स ठीक है, बी गेट एस, और यहाँ पर डियर होता है, बी गेट एस डियर, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो हम कहते हैं डांग के थैंक यू, और आंसर क्या देते हैं हम कल भी हमने देखा था इसको गुड कहते हैं, आई एम गुड ठीक है, डांग के गुड मैं ठीक हूँ, और यहाँ पर उन कहते हैं उसके बाद होता है एंड यू, और आप कैसे हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं डियर, उन डियर, और आप कैसे हैं ठीक है, इसको हमने ऐसे फीलिंग दबलाइज करना है, ये जस्ट फर्स्ट एक्सरसाइज ये है, ऐसे आगे इजी हो जाएंगी खुद बहुत बाद में। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं इनके ऊपर, ऊपर से हमारे पास बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं उनको नीचे फिल कर देना, इधर देखें वाज पास्ट वो ठीक है, वाज मीन क्या होता है बट, और पास्ट मीन होता है टू फिट ठीक है, व्हाट फिट वेयर, वो मीन क्या होगा
ठीक है, क्या चीज कहाँ पर फिट होती है? ऑर्डन जी सू, आप इसको ऑर्डर करें, सू मीन होता है टू, और ये ट्रेंड बाय वर्ब होता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऑर्डर मीन ऑर्डरन होता है टू ऑर्डर करना, ठीक है। जी मीन यू, तो गुटन आबिन में तो होता है गुड इवनिंग, गुटन गुड नाइट, ऑफ विडरजेन वही बाय गुड बाय हो गया, गुटन मॉर्गन चूस, गुटन डाग, ये हमने देख लिए सब, इनको हमने फिट कर देना है नीचे। तो यहाँ पर क्या आएगा? क्लास हो रही है, सुबह का टाइम है, देखें वहां पर सूरज निकल रहा है, क्लास हो रही है या फिर कुछ एक्टिविटी कोई भी हो रही है। तो यहाँ पर ऊपर बॉक्स में से कौन सा गुटन वर्ड मॉर्गन, लिखेंगे हम यहाँ? जी गुटन मॉर्गन, गुटन मॉर्गन। और यहाँ पर देखें इधर भी सब्जी वगैरह ले रहे हैं, सब्जी हम सुबह का टाइम नहीं लेते, तो इसका मतलब ये जो सूरज है, सन है, ये जो है ना ईस्ट की तरफ जा रहा है, ग्रूब हो रहा है, तो इसका मतलब शाम का टाइम है, और ये सब्जियां खरीदने गई हुई है फ्राउ। तो देखें क्या आएगा यहाँ पर, ऊपर से देखें। गुटन एबेंट, जी गुटन आबेंट, गुटन आबेंट। और यहाँ पर क्या होगा, ये लोग क्या हो रहा है इधर? गुटन नॉच, रात है और जी गुटन गुटन नॉच। जी मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ इसको? ओके जी ओके सही, गुटे नाथ है, ठीक है। और नाक्त, ओके बिल्कुल हाँ, और ये आप जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ना डेली क्लास के बेस के ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता आपके प्रोनाउंसिएशन मजीद बेहतर होती जाएगी। जस्ट आपने करना यही है कि अच्छी तरह लेक्चर वो वाला अच्छी तरह रिवाइज करना है, जो अल्फाबेट का है हमारा, ठीक है। अल्फाबेट आपको बेसिक आते होंगे तो हर चीज आ जाएगी। जैसे यहाँ पर नख्त कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि आ होता है, एन के बाद क्या है? आ, आ और एन, आ से आ के साथ एन लगा दें तो क्या हो जाएगा? आ से ना हो जाएगा, आ से ना, तो आगे क्या हो जाएगा? नख्त, ना नख्त। सही। इसी तरह बेसिक सेम एडवांस ऐसे चलते हैं, तो गुटे नख्त हो जाएगा यहाँ पर। गुड इसी तरह नेक्स्ट पिक्चर के अंदर देखें, इनो है, इनो कहते हैं साइन माँ को, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगाएंगे ऊपर, हमारे पास क्या बचा हुआ है? थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ मैं। साइन माँ के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें क्या कह सकते हैं वो? दिस सेकंड लास्ट वन, आई एम नॉट श्योर क्या कैसे प्रोनाउंस करना इसको, हाँ, या गुटन टाग हो सकता है साइन मार्क। वैसे गुटन टाग गुटन वो तो दिन के, शाम के टाइम या रात के हाँ टाइम जी, वो जाते तो हैं, हाँ। लेकिन फिर इसको यहाँ ये पर चूज देखें, का क्या मतलब चूस का मतलब बाय बाय होता है, चूस का मतलब भी बाय है? बाय, अच्छा ऑफ ओके विडरज़ेन भी बाय, गुड बाय होगा। तो ये नीचे के लिए, नीचे के लिए हम इधर रखने हैं ना, इस वजह से वही लग बच जाएगा हमारे सही, पास गुटन गुड एंड टाग, टॉक, ठीक है ठीक है, गुटन सही। टाग। और यहाँ पर ये गुड बाय कह रहे हैं, ये हाँ भी यहाँ कह पे रहे हैं, अब चूज इनमें हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा सा वैसे इसमें दोनों लगा विक्टर सकते चूज से आ हैं, जाएगा, ओके हाँ, इधर लगा सकते हैं चुस भी, आउ फिडर जेहन भी, एक है ना, हमारे पास दोनों है ना, चुस भी है, आउ फिडर जेहन भी है, पिक्चर भी तो है। तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर आउ फिडर जेहन लगाते हैं, यहाँ पर चुस लगाते हैं। उसकी क्या रीजन देता हूँ मैं, क्योंकि फॉर्मल के अंदर मैंने जैसे कहा फीडर जेहन करते हैं हम, और इनफॉर्मल में चुस या चाओ इनफॉर्मल में करते हैं हम। ये दोनों फ्रेंड हैं, ऊपर लिखा हुआ शिप्राक इंस्टीट्यूट लैंग्वेज स्कूल से, ये छुट्टी होगी अब ये जा रहे हैं घर, तो ये आपस में फ्रेंड हैं, तो फ्रेंड में चुस चाओ यूज होता है, ठीक है, आमतौर पर। और जहाँ पर कुछ फॉर्मल हो, ये कुछ बाय करने आए हुए हैं, तो वहाँ पर हम फॉर्मल डिस्कशन होती है, जब हम कुछ चीज परचेज करने जाते हैं मॉल में कहीं पर, तो इसलिए यहाँ पर आउटफिटर यूनियन लगा देते हैं हम, आउटफिटर से। सही सही सही। और यहाँ पर हम लगा देते हैं चूस। मैंने स्पेलिंग ठीक लिखी हुई है मैंने? यू ही, हाँ वो ऑमलेट उसकी जगह पर यूज हो रहा है ना, यू ऑमलेट ठीक की है, जगह हाँ, पर अमलाउट, लाउट में क्या करते हैं, अमलाउट ना ऑमलाउट हो हमारे पास, तो हम क्या करते हैं ये यू लगा देते हैं। इसका मतलब आपने लेक्चर देखा है, ये आइडिया लेना चला था मैंने कल वाला। चलिए तो सही। नेक्स्ट टाइम बढ़ते हैं आगे। ये जैसे मैंने पहले कहा था, इस चैप्टर में चीजें यही होंगी, एक दूसरे से मीटिंग वगैरह हो रही होती है, ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड ही है ठीक चैप्टर। है
तो ये भी एक्सरसाइज वैसे ही है, जी ऑर्डर डू अगेंस्ट जी, डू बोलना है या जी बोलना है, कहता है अरेंज कर रहे हैं। इसमें जस्ट ये कह रहा है कि वो अगर फॉर्मल है तो हम जी लगा देंगे, ठीक है, अगर इनफॉर्मल है फ्रेंड अगर हमें लग रहे हैं वो, तो फिर हम वहाँ पर डू लगा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, सेंटेंस को पढ़ने के बाद भी हम बता सकते हैं कि उसके अंदर वर्ब के कौन सा यूज हुआ है, डू का यूज हुआ है या फिर जी का। तो कहते हैं गुड एंड आ गुड डे, शाइसे मुलर, माई नेम इज मुलर, वी हाइसन। अब यहाँ पर डू लगाए हम, फॉर एग्जाम्पल ऐसे है ना, तो डू लगाए तो डू के साथ हमने कहा था एस टी फॉर्म लगती है, यहाँ पर तो एस टी नहीं है, यहाँ पर हाइसन है, तो क्या आएगा, जी आएगा, नहीं, ये ठीक है मुझे इसको। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ तो यहाँ पर होगा जी, क्योंकि आज वर्ब आज पढ़े ना हमने, तो आपको पता चल जाएगा जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे कि जी के साथ ई एन की फॉर्म होती है। हाइसन मीन क्या होता है, टू कॉल्ड, सही, टू कॉल्ड कहलाना, ठीक ठीक है। है। आई कॉल्ड या माई नेम इज, सॉरी यहाँ पर तो क्वेश्चन कह रहे हैं ना, हाउ आर यू कॉल्ड, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। माई नाम इज वॉर्नर, पिया वॉर्नर, माई नेम इज वॉर्नर पिया वॉर्नर, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं हालो इश हाई से पिया, आई कॉल्ड पिया उन वियर बीस्ट। अब देखिए यहाँ पर हुआ है जाइन फॉर्म, जो हमने कहा था ना। अब ये जाइन होता है, ये इश के साथ क्या होता है, बिन होता है, और हमने कहा था डू के साथ क्या होगा, ये बीस्ट होगा। अब इसी तरह नीचे हमारे पास क्या लगा हुआ है, बीस्ट लगा हुआ है, तो इसका मतलब हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पर होगा डू, वियर बीस्ट टू, हु आर यू, इश हाई से टॉम, माई नेम इज टॉम, ठीक है, ऐसे होगा ये। और नीचे दिया हुआ है ये वाला मैं होमवर्क में शेयर कर दूंगा, आपने यहाँ पर होमवर्क करना होगा, क्या इसमें वही जाइन फॉर्म लगानी होगी या कोई और वर्ब आएगा, जस्ट जो हमने कन्वर्जेशन पीछे पढ़ी हुई है, ठीक है, डायलॉग वगैरह उससे रिलेटेड ही होगा। अगर आप को आता होगा कर लेना, नहीं आता होगा फिर हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये हमारे पास, मैं ग्रुप में बता दूंगा होमवर्क, पेज नंबर भी, एक्सरसाइज नंबर भी बता दूंगा बाद में। ठीक है, बहुत बेहतर। तो एक यहाँ पर है, एक मिनट कोर्स बुक में देख लूँ मैं साथ साथ क्या आएगा, हम आते हैं कोर्स बुक के ऊपर और ये वाला एक्सरसाइज करते हैं। सेम लेसन सी और अर्गेंसन सी डी वर्बन, आप लेसन मीन क्या होगा यहाँ पर, रीड, ठीक है, लेसन मीन रीड है, आप इसको पढ़ें, और अर्गेंसन मीन क्या होगा, अरेंज, ठीक है, आप इसको पढ़ें, अरेंज करें वर्ब्स को, इस डायलॉग को पढ़ना है और वर्ब अरेंज करने हैं। डज इज फ्राउ लॉन्ग, ठीक है, दिस इज फ्राउ, दिस इज मैडम लॉन्ग, जी कम्ड आउस डॉयचलैंड, शी कम्स फ्रॉम जर्मनी, या शी कम फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी से वो आई हैं, और जी डैश इन फ्रैंकफर्ट। अब देखिए इन लगा हुआ है, फ्रैंकफर्ट सिटी लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि वो फ्रैंकफर्ट में रहती है, उर्दू में हम समझें, तो यहाँ पर वर्ब होगा रहने का वॉन्ट, क्योंकि वोनस मीन होता है टू लीव, रहना, ठीक है। अब वॉन्ट मीन क्या होगा, लीव्स, वो रहती है फ्रैंकफर्ट में। इसी तरह यहाँ पर वो एरो इसलिए लगा हुआ है, कहना चाह रहा है कि हम जिस तरह एक बार नाम यूज करते हैं उसके बाद ही या शी यूज करते हैं, तो जी का मतलब यहाँ पर शी है, हमने कल देखे थे जो, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट ही है, जॉन डैश आउस फ्रैंकफर्ट, आउस मीन होता है फ्रॉम, प्रेपोजिशन है, तो इसका क्या मतलब होगा, फ्रॉम द फ्रैंकफर्ट, इसका मतलब ही केम्स कम फ्रॉम फ्रैंकफर्ट, तो यहाँ पर आएगा कॉमन का वर्ब, यान काउंट आउस फ्रैंकफर्ट ए डैश इन सुरिश, तो यहाँ पर वर्ब लगाना है, इन सुरिश लिखा हुआ, सुरिश सिटी है, तो क्या होगा यहाँ पर, हियर वॉन्ट, वॉन्ट इन होता है वही लिव्स, हियर वॉन्ट इन सुरिश, वो सुरिश में रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स थी। इसी तरह नंबरिंग हम कल देखेंगे, कल वाले लेक्चर में या उससे नेक्स्ट डे वाले में, कि नंबरिंग कैसे प्रोनाउंस करनी है काउंटिंग जर्मन में। अच्छा उसके बाद हम सही, आते ठीक हो गया। हैं आर बाइट्स बुक के ऊपर, यहाँ पर
ये वाली एक्सरसाइज करते हैं हम। ठीक है, 4A, फ्रागेन एंड वॉटेन। फ्रागेन मीन होता है क्वेश्चंस। और एंड व्हाट मीन होता है आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर्स, उंड मीन एंड हो जाएगा, ऑर्डन जीसू आप इसको ऑर्डर ऑर्डर दें। तो हमने अब ए बी सी एडर ऑर्डर करनी है। ठीक है, तो वी हाइसन सी, हाउ आर यू कॉल्ड। तो यहाँ पर डे उन्होंने किया हुआ है फील पहले पहले से। हर एक्सरसाइज में ऐसे जो एक क्वेश्चन होता है ना सॉल्व किया होता है फर्स्ट वाला। तो डे है, माई नाम इज उनसे, या माई नेम इज कैंसे, या आई कॉल्ड उनसे। इसी तरह सेकंड पे है, वो वॉन्ट्स टू, वेयर डू यू लिव। तो वो ने कहा आपको कहाँ पर नजर आ रहा है आंसर। यहाँ पर वन लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये है इन बर्लिन। इनका मतलब होता है सेम टू सेम, इंग्लिश वाला, इन द बर्लिन उन टू एंड यू आप। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसने शॉर्ट आंसर दिया ना, कंप्लीट नहीं दिया। इश वन इन बर्लिन नहीं लिखा, जस्ट उसने सिटी का नाम बता दिया जस्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर हम गे लगा देते हैं। ठीक है, इसी तरह थर्ड के ऊपर है, वहर कॉमन सी, वहर मीन क्या होता है, फ्रॉम हियर। ठीक है, कहाँ से, कहाँ से, जी कहाँ से, तो आप कहाँ से आए हैं, इसका ये मतलब होगा। ठीक है, कॉमन सी मीन टू कम। देखते हैं क्या आता है, देखें बताएं। ये तो एंशुल इंग्लिश टोइश, ये तो नाम है इंग्लिश का। जी आउस ब्राजीलियन उंडो। इसी तरह ये भी ठीक है, बिल्कुल सही आंसर किया। ये भी ऊपर भी है, आउस आयरलैंड उंड जी। ठीक है ना, मैं आयरलैंड से, आप कहाँ से हैं। अब यहाँ पर मैं ए लगा रहा हूँ, पहले लगाता हूँ फिर आपको बताता हूँ क्यों लगाया है। सॉरी ऊपर चला गया। ए इसलिए लगाया है, यहाँ पर ऊपर यूज हुआ है जी, फॉर्मल के अंदर यूज हुआ है कॉमन जी। ठीक है, तो वो फॉर्मल यूज कर रहे हैं तो हम आंसर भी फॉर्मल में दे रहे हैं। ठीक है, मतलब इसने जी यूज किया तो हम यहाँ पर जी लगा रहे हैं, फ्रॉम द आइलैंड उन जी एंड यू, आप कहाँ से हैं। इसी तरह ये अगर नीचे वाला भी देख लें, हम डायरेक्ट सातवें के ऊपर आ रहे हैं, सेवन के ऊपर, वोहर कॉम्स टू। यहाँ पर था वोहर कॉमन जी, यहाँ पर वोहर कॉम्स टू, डू के साथ एस टी फॉर्म आई हुई, अभी हमने डिस्कस किया था। तो फ्रॉम वेयर डू यू कम, आप कहाँ से हैं। अब आपका आंसर वही वाला, आउस ब्राजीलियन उन डू। इसने यहाँ पर भी डू इस्तेमाल कर दिया, जैसे क्वेश्चन था वैसे आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा देते ई। फोर्थ के ऊपर आते हैं दोबारा, वेल्शे शब्राखे एक्सप्रेशन जी, वेल्शे मीन होता है, इसको वेल्शे पढ़ना है। ठीक है, वेल्शे प्रोनाउंस करें, वेल्शे, जी वेल्शे। तो वेल्शे शप्राखेन एक्सप्रेशन जी इन स्टटगार्ट कौन सी। देखें इसका मतलब होता है, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, आप कौन सी लैंग्वेज अच्छा, बोलते हैं। श्प्राखेन मीन होगा लैंग्वेजेस। जी अभी इसका बनता है देखें, श्प्राखेन जी यहाँ पर लिखा हुआ है, श्प्राखेन मीन लैंग्वेजेस होगा, नाउन होगा अभी हमने कहा था, और शप्रेशन एक वर्ब होता है, इसका मतलब होगा स्पीक स्पीक। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है। ऊपर वाले में शीन यूज नहीं होता, फर्स्ट वाले में शप्राखे होता है। ठीक है, शप्राखेन, और इसमें शीन यूज होता है सप्रेशन। अब इसकी वजह क्या होती है, इसमें सी एच से पहले ई लगा हुआ है, इसमें इससे पहले ए लगा हुआ है। ठीक है, ये आगे टॉपिक आता है तो वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे, वैसे ही डिस्कस नहीं किया जाता, इसको जस्ट याद करते हैं। शप्राखिन उधर हे होगा, इधर शीन होगा। ठीक है, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, तो इसका आंसर है क्या होगा, बी बी जी, जो बी इसका आंसर है हमारे पास, इंग्लिश एंड डॉइच, इंग्लिश एंड जर्मन। इसकी स्पेलिंग भी देख लें, इसको इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश, इंग्लिश और डॉइच, इंग्लिश और एस सी एच है। ठीक है, वेयर बिस्ट टू, हु आर यू। ठीक है, वेयर बिस्ट टू, हु आर यू, वो वेयर मीन हु हो गया। तो जी, तो से हमारे पास यहाँ पर है सी, वो वॉरन सी, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पर रहते हैं। In Stuttgart, Unzi. जी, मैं स्टटगार्ट में रहता हूँ और आप कहाँ रहते हैं, उनसे। ठीक है,
और नेक्स्ट हमारे पास है बे, बी मीन होगा हाउ, वेयर मीन होगा हु कौन, और वो मीन होगा कहाँ पर, वेयर प्रेपोजिशन जो होती है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी जो जो होता है हाउ मीन कैसे, और ये नाउन होगा हमारे पास सब्जेक्ट जिस तरह होता है ना, वेयर हु कौन, किसी किसी शख्स का नाम होगा, ठीक है, और ये प्लेस का नाम होगा वो वेयर कहाँ पर, ठीक है, ये देखना आप। ठीक है और एक और चीज भी आगे है, और दूसरा वर्ड भी है चौथा, वेयर मीन ओके फ्रॉम फ्रॉम वेयर, वेयर ठीक है, अच्छा कहाँ से, अच्छा अर्गेंसेस, ये आपने उसको अरेंज करना। अब इन दोनों में ये भी देख ले फर्क, वो और वोहिर में देखें, वो मीन जस्ट वेयर है और वोहिर मीन फ्रॉम वेयर, ठीक फ्रॉम है, वेयर उसके साथ प्रेपोजिशन भी है दोनों के साथ, मतलब ईआर का एडिशन हो तो ऊपर प्रेपोजिशन का एडिशन होगा, ठीक है ठीक इसको मैं नीचे ऐसे स्लैश लगा। तो ये हमारे पास वही इंट्रो वाले सेंटेंस है, इनको पढ़ते हैं और सब्जेक्ट या जो वर्ब वगैरह है उसको पुट करते हैं। फिर इश बिन बिन एम एम आर राइटर, राइटर आई एम एम राइटर, जी ओके जी हाँ नहीं नहीं ठीक है वो मैं प्रोनाउंस करने की कोशिश कर रहा था अच्छा इच नहीं बिन एम आर निकल राइटर पड़ोस करें, हाँ, इश बिन एम राइटर उन डैश जिन जी, वर WER सही सही। और इसको आपने पढ़ना है वेयर, ठीक है, ये आप वर्ड जो करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर आ लगा हुआ, आ तो नहीं है यहाँ पर, क्या लगा हुआ है, इसको हमने ए पढ़ा था, ये ठीक है, इसको हमने ए पढ़ा था, तो ये हो जाएगा वेयर, ए से वेयर, वेयर बिस्कू और वेयर सिंसी, आप कौन है, और ठीक है यही आना था। और उस वो कह रही है इश बिन बीटे म्यूलर, आई एम बीटे म्यूलर, उसने आंसर दे दिया। सेकंड पे क्या है, कहता है आप पढ़ें, इश वोने वाज बोर्न इन साल्ज़बर्ग जी, इश बोने इन ज़ाल्सबर्ग, एस जेड की आवाज ऑस्ट्रिया दे देगा और जेड एस की आवाज दे देगा यहाँ पर, ज़ाल्सबर्ग, ये अक्सर ऐसे होता है लेकिन हर जगह नहीं होता, कुछ वर्ड ऐसे होते होंगे जो हम याद हो जाएंगे जहाँ पर जो इनकी वॉइस वॉइस चेंज नहीं होती, वरना इनकी एस और जेड अपनी वॉइस चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज होते हैं। ठीक है इश बोने इन ज़ाल्सबर्ग और वो डैश वन एन सी, जी वो मीन वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पर रहते हैं, तो आउख इन ज़ाल्सबुर्ग, मैं भी, आउख मीन होता है आल्सो, ठीक है, ओके मैं भी ज़ाल्सबुर्ग में आता हूँ, ठीक है। ओके तो ये है अखबिन इश पीटर बिन, इश हाँ इश इश पीटर बिन पीटर, तो ओके डैश हाइस टू लगाई, वेयर वो बिस, वेयर सॉरी सॉरी, यहाँ पर बिस्ट नहीं है, अगर बिस्ट होता ना फिर हम लगाते बियर, अब ये हाइस्ट, हाइस्ट मीन होता है टू कॉल, कहलाना, हाउ आर यू कॉल्ड या व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पर अच्छा होगा वी हाउ वाला वाइट वी हाइस्ट टू, हाइस्ट के साथ वी लगाना है और बिस्ट या बिस्ट के साथ हम लगाते हैं बियर। ओके ओके तो कहते हैं वी हाइस्ट टू, उसने आंसर दिया क्लाउडिया, मैं क्लाउडिया कहलाती हूँ, ठीक तो है यहाँ पर लगाए कॉम्स टू के साथ क्या आएगा, वोहर जी वो हेयर, ठीक है, ओहिर वो हेयर कॉम्स टू, फ्रॉम वेयर डू यू केम, ठीक है आंसर है हाउस डॉयचलैंड, फ्रॉम द जर्मनी। तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ, जैसे मैंने होमवर्क आपको कहा है, एक ये डे भी आपको बता देता हूँ होमवर्क के अंदर, ठीक है, और ई वाला ये भी होमवर्क के अंदर, यहाँ से सामने बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ से उठाकर हमने नीचे इधर पुट कर देना है इनको, सब्जेक्ट को, ठीक है, हमने वर्ब को देखना है, वर्ब को देखकर पढ़कर सेंटेंस जो हमें सूट करेगा हमें वो इधर लिख देंगे, हमें जो अच्छा लगेगा, ठीक है। ये टेबल कैसे फिल करना है, जैसे वोनन है तो इश के साथ हाई से है, वोने है इश कौ में, इश यहाँ पर बिन हो जाएगा, ठीक है, जाइन की फॉर्म, हमने जो उधर स्लाइड में आपको शो किया उधर से देखकर इधर फिल करने हैं आपने। सही सही और यहाँ पर भी क्या करना हमने, ये वही चीज नीचे इधर दिया हुआ है, नीचे उलट उलट करके लिखा हुआ है इनको,
नीचे आपने वर्ड्स देखकर ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर देने हैं, ठीक है? ठीक है सॉरी। बस ये 5A, ये मैं होमवर्क में बता भी दूंगा वैसे, पेज नंबर भी, एक्सरसाइज, और बाकी ये वाले हम फिर कॉल करेंगे इसको, ठीक है? बल्कि एक ये वाला देखिए, इसको देख लेते हैं, ये भी होमवर्क में करना होगा। श्राइवन जी, जेड से राइट द सेंटेंस, जेड से कहते हैं सेंटेंस को, ठीक है? जेड से मीन सेंटेंसेस, राइट द सेंटेंसेस, उन्टी फ्राके नियम द क्वेश्चन डिस्टिश इन द टबेले, राइट इन द टेबल, आपने उनको राइट करके लिखना है टेबल में, ठीक है? टबेले, ठीक है, इन द टबेले। फ्रॉग मीन क्वेश्चन हो गया, श्राइबन मीन होता है टू राइट, ठीक है ठीक है? राइट द सेंटेंसेस राइट इन द टेबल, सेंटेंस दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना, हमने इनको ऑर्डर करना है, सब्जेक्ट लगाना है पहले, सेकंड पे वर्ब होगा, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, बस यही करना है। ऊपर से उठाकर नीचे फिट कर देना है, और इसमें हाउस आके कहते हैं स्टेटमेंट्स या आंसर, सिंपल सेंटेंस को कहते हैं हाउस जाके जार्ट्स से, ठीक है? और जार्ट्स सिंपल जो होता है ना, उसको कहते हैं सेंटेंस को, जो जार्ट्स लिखा हुआ है ये वाला, जार्ट्स SATZ, इसका मतलब होता है सेंटेंस। हाउस जाके मीन एक डिस्क्रिप्शन हो जाती है, मतलब डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट, सिंपल जो क्वेश्चन नहीं होते वो वाले। तो जिनके लास्ट में क्वेश्चन है आपने नीचे लिखना है, वे फिर आगे उनको कह देंगे, वो वाले सेंटेंस नीचे लिखने हैं, जिनके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं है वो आपने ऊपर लिख देने हैं, ठीक है? बस यही करना है और कुछ नहीं करना। और क्या देखना है आपने, इसमें जो वर्ब नजर आएगा आपको, जाइन एक वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, वो आपने मिडल में लिखना होगा, सेकंड पोजिशन में, यानी ठीक है, यहाँ पर टू बड़ा सारा लिखा हुआ है, ये वाला क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपने वर्ब इधर लिखने हैं, जो भी सेंटेंस में वर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं 7, यहाँ पर जाइन हेल्पिंग वर्ब है, ये एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब एक ही चीज है, ठीक है? माइन नामे है और नीना है, तो हमें पता है ये सिंपल है, तो ऊपर वाले टेबल में आएगा, क्वेश्चन नहीं है, तो जाइन पहले हम यहाँ लिख देते हैं, और नाम माई नामे, नामे के साथ क्या होता है, ईस्ट होता है, सिंगुलर नाउन होता है ना, डियर नामे सिंगुलर, ये ईस्ट सेकंड पोजीशन पे आएगा, और माई नामे सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है? NAME, माई नामे इधर आ जाएगा शुरू में, और बाकी क्या बच गया, नीना, सेवन सेवन वाला हम करते हैं, ठीक है? ये अरेंज हो गया, माई नाम है ईस्ट नीना, माई नेम इज नीना, ये हमारा सेंटेंस बन गया, ठीक है? क्या किया हमने, हमने वर्ब को सेकंड पे रखा है, वर्ब जो वर्ब था जाइन, ठीक है, उसकी कॉन्जुगेशन कर दी है, और इसमें से हमें जो माई नाम है, हमें लगा ये सब्जेक्ट होगा, ये हमने इधर लगा दिया, और नीना हमने इधर लगा दिया, ठीक है? आठवां भी कर लेते हैं, क्वेश्चन है उसके अंदर, वो है मीन डब्ल्यू वाले जो होंगे शुरू में रखने आप, ठीक है? वर्ब सेकंड पे बाकी लास्ट पे, वो शुरू में आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर वो, और फिर सेकंड पोजीशन पे वर्ब होता है वोहनन, यहाँ पर वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, वो वोन्स्ट। ST क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर आगे हम क्या करें, डू लगा रहे हैं, डू, क्योंकि डू बच रहा है ना यहाँ पर ऊपर, तो डू के साथ हमने क्या लगाना है, ST फॉर्म लगानी है, वो वोन्स्ट डू हो जाएगा। हमने वोनन को क्या कर दिया, कॉन्जुगेट कर दिया डू को देखकर, डू था तो हमने वोनन को क्या बना दिया, वोन्स्ट बना दिया। ये क्लियर है आपको? हेलो, हेलो। अच्छा मैं एक्सप्लेन कर रहा था, आप लीव हो गए थे, चलें। हाँ हाँ मेरे इंटरनेट का इशू था। वैसे चलें, आज आखिरी 5 मिनट की जो वीडियो है ना, आप देख लेना, मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियो के अंदर ना, ये वाला रिकॉर्ड हो गया लेक्चर, तो इसके में ये ओके वाली भी आपने होमवर्क में करनी है, मैंने बता दिया, वीडियो में देखेंगे ना आप, तो उसके अंदर लास्ट पे आखिरी 5 मिनट चला लेना, तो उसमें मैंने ये समझा दिया सारा, ठीक है? मुझे पता नहीं चला आप लोग, आपका डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा था, चलें। तो आज के लिए इसको क्लोज करते हैं इतना, बाकी फिर कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है, बहुत बेहतर। अच्छा हाँ ये वैसे स्टूडेंट जोन से जी, इतने ही होते हैं? अच्छा आप रिकॉर्डिंग बंद करने पर हैं? मैं हाँ करता हूँ, 1 मिनट कॉल भी सुन लूँ, 1-2 मिनट, कोई मसला नहीं, आप इधर ही रुक जाए, कॉल भी सुन लूँ, मैं बात करता हूँ।